अस्सलाम वालेकुम। रिटन टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन में एंटनम्स यानी अल्फाज के मुतजाद या फिर जिद के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में एंटनम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तमाम तर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं जो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी के मसनूई। आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड होता है नेचुरल यानी कुदरती। पिक्चर से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्ब की रोशनी एक आर्टिफिशियल लाइट है जबकि सूरज की रोशनी नेचुरल लाइट है। इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा। अपोजिट वर्ड है टाइनी यानी बहुत छोटा। वर्ड है रिकंडाइट जिसका मतलब होता है पोशीदा। रिकंडाइट का अपोजिट होता है मैनिफेस्ट यानी कि साफ या फिर वाजा। फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि रोड पूरी तरह वाजा नहीं है और सेकेंड पिक्चर में हम साफ देख सकते हैं कि बेबी रो रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेवियंट यानी कि मुतफरक। मुतफरक यानी कि वो काम जो मयार से हट के किया जाए। डेवियंट का अपोजिट वर्ड होता है रेगुलर जिसका मतलब होता है बाकायदा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवलस यानी कि गैर संजीदा। फ्रिवलस का अपोजिट वर्ड होता है वाइस यानी कि अकलमंद। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वीन यानी कि अलग करना। वीन का अपोजिट होता है अटैच, जोड़ना या फिर मुंसलिक करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल यानी कि फजूल खर्च। प्रोडिगल का अपोजिट वर्ड होता है थ्रिफ्टी यानी कि किफायतशार, मयाना रवि से चलने वाला शख्स। नेक्स्ट वर्ड है माइट। माइट का मतलब होता है थोड़ा या फिर कम। माइट का अपोजिट होता है होल यानी कि तमाम या फिर मुकम्मल। नेक्स्ट वर्ड है टैकेट। टैकेट का मतलब होता है खामोश। टैकेट का अपोजिट वर्ड होता है डिक्टेटेड यानी कि हुक्म करना। नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमनी यानी कि कंजूसी। पार्सिमोनी का अपोजिट वर्ड होता है जेनरोसिटी यानी कि सखावत। नेक्स्ट वर्ड है फिलेशियस यानी कि बातिल या फिर झूठा। फिलेशियस का अपोजिट वर्ड होता है ट्रूथफुल यानी सच्चा, सादिक। फिलेशियस वर्ड फॉल्स से लिया गया है। अक्सर हम एग्जाम में ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन देखते हैं तो ये वही फॉल्स है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉरमोस्ट यानी कि अहम। फॉरमोस्ट का अपोजिट वर्ड होता है अनइम्पोर्टेंट यानी कि गैर जरूरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेनाइल यानी कि सुस्त, काहिल या फिर बूढ़ा। सेनाइल का अपोजिट वर्ड होता है अलर्ट यानी कि होशियार। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनऑर्डिनेट यानी कि हद से ज्यादा। इनऑर्डिनेट का अपोजिट वर्ड होता है मॉडरेट यानी कि मुनासिब। हमारा वर्ड है लूसिड जिसका मतलब होता है वाजा। लूसिड का अपोजिट वर्ड होता है वेग यानी कि गैर वाजा। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। इलेटेड यानी खुशी से भरा हुआ और इलेटेड का अपोजिट वर्ड होता है सैड यानी कि गमगीन। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी या फिर पुराना। स्टेल का अपोजिट वर्ड होता है फ्रेश यानी कि ताज़ा। नेक्स्ट वर्ड है मैमथ। मैमथ यानी बहुत बड़ा और इसका अपोजिट वर्ड होता है स्मॉल यानी कि छोटा। वर्ड है हमारे पास इलास्टिक यानी कि लचकदार। इलास्टिक का अपोजिट वर्ड होता है रिजिड, सख्त, गैर लचकदार। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्वर्फ, छोटे कद का या फिर बोना। इसका अपोजिट वर्ड होता है हमारे पास जायंट, बड़ी जिसामत का। अब स्टार्ट होता है हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। जो एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के एमसीक्यूज को करना है आपने सॉल्व। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने 20 में से कितने मार्क्स लिए। विश यू गुड लक, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेस्ट प्रिपरेशन की नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।